हेलो व्यूअर, गुड मॉर्निंग। तो बेचारी मुर्गियाँ और ये हमारे सोनू बहुत देर से खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ बहुत आंधी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आज भी मौसम जो है एकदम क्लाउडी है और छत का हाल बहुत ही ख़राब था। तो मैं बहुत देर से ऊपर हूँ लेकिन इन्हें अभी खोला नहीं है। और एक खुशी की खबर ये है कि मेरे न्यू मालती प्लांट में फ्लावरिंग हो गई है, ये मैंने आज अभी देखा। ये जो ड्रम में लगा है मैं अभी दिखाती हूँ, ये जो इस ड्रम में लगा है आप देखिए, हमारे इस साइड में भी फूल होंगे लेकिन गंदगी भी बहुत होगी ये फूलों की वजह से। लग रहा है कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बड़ा ही अजीब सा माहौल है। और ये देखिए चील कुछ लेकर आई है और खा रही है। पता नहीं, ये देखिए ये ले आई है। पता नहीं किसी बर्ड को तो नहीं खा रही। ओह नो, सोनू पीछे से चिल्ला रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितना कबाड़ निकला है छत पर। तो मैं अभी, मेरी मेट नहीं आई है और मैं देखिए ये रोज़ इतने सारे मालती के फूल झड़ते हैं। इसी सब को मैं एडजस्ट करके साइड में गमलों को लगा रही हूँ। ये गमले अभी खाली हैं, जब सीजनल प्लांट्स होंगे तब लगाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। और देखिए बहुत प्यारी दो बर्ड्स आई हैं। आज मौसम अच्छा है तो बर्ड्स अभी भी आ रही हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं। गायब हो गई, झुरमुट में चली गई हैं। और ये देखिए सीड्स, मैंने काफ़ी अच्छी कंपनी के सीड्स मंगाए थे। और क्या जर्मिनेशन रेट है आप खुद देखिए, कम से कम 6-7 बीज इन सारी पॉलीथीन्स में लगाए थे लेकिन सिर्फ ये एक ही बीज जर्मिनेट हुआ। बताइए, अगर मैं सारे ही लगा देती तो ठीक था। उस पैकेट में कम से कम 10-12 होंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं थे, बस एक ही सीड निकला है। मैं सोच रही हूँ जो बाकी सीड्स हैं उन्हें भी लगा दूँ, क्या पता ये पौधा मर जाए। मौसम इतना कंफ्यूजिंग है, देखिए इस साइड कितने ब्लैक क्लाउड्स हैं। और मेथी अभी भी मेरी दुल्हन की तरह ढकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, खोलना है कि ढकना है। ये क्यारी भी रेडी हो रही थी, बल्कि सब में कुछ ना कुछ बो चुके थे फिर बर्बाद हो गया। भी मूली बोना है, इसमें से सब निकाल दिया गया है, ये भी रेडी हो चुकी है। अब देखिए धूप निकल रही है तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा मेथी को धूप दिखा दूँ। देखिए अच्छे खासे हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए खोली देती हूँ पॉलीथीन। वो ये तुरई तो देखिए आप, लौकी बन चुकी है, नज़र ही नहीं आई होगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े से, ये जो मिट्टी मिला देते हैं मुर्गियों के दड़बे की, उसमें जो गेहूं और ये सब खाती हैं वो भी जम जाता है। इसलिए ये आपको जो शूट्स दिख रहे हैं ये अभी नोच देंगे, ये सब गेहूं होगा। देखिए निकल आई है पर
मौसम बड़ा तबाही करने वाला है लग रहा। और ये कद्दू को बस सोनू को पत्ते खिलाने के लिए छोड़ रखा है क्योंकि इसमें कुछ आने वाला है नहीं, पर ये सोनू खा लेते हैं कुछ इसमें से, इसलिए ग्रीनरी के लिए छोड़ दिया ऐसे। और सोनू इंतज़ार करते करते ऊपर से बहुत बेचैन हो चुके हैं, अब अगर मैंने इन्हें खोल दिया तो ये मेरी खैर नहीं करेंगे इसलिए मैं जो हूँ जब तक वो आएगी नहीं। हाँ भाई, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लगता है मेड आ गई है। जी मेरी मेड आ चुकी है और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है तो ये भी समझ गए हैं हाँ कि अब खोलेंगी, ये तो खोलने वाली है नहीं। हाँ भाई अब खुलोगे तो पहले ये मेरे दो गमले उठा के रख दो, एक चोंच मारेंगे तो बंटा धार हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ कहाँ रख, और साइड में मैं यहाँ रख रही हूँ, यहाँ धूप भी थोड़ी बहुत आ ही जाएगी और बारिश भी ज़्यादा नहीं होगी। देखना इसमें भी सब अच्छे से जम रहे हैं ना, इस साइड तो काफ़ी जम रहा है, हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, बीच में रख दो यहाँ पे, हाँ दूसरा भी रख दो। ये जो ये पत्ते हैं थोड़े इनमें, लेकिन धो लेना अच्छे से जब तक आशिक को खोल दें। चलिए आशिक फैमिली को खोल देते हैं, ये कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, और सोनू तो बस काटेंगे आ जाओ। बहुत सब्र का इम्तिहान हो गया। और देखिए इनके इतने सारे पत्ते, वो पत्ते सॉरी ये पर शेड हो रहे हैं, इसको अभी साफ करना है। देखिए इनकी फेवरेट भूसी आ चुकी है, पानी तो मिक्स करने दो, यही मिला दो रोटी का, बहुत पानी है पानी। देखिए और इसमें एक्शेल्स भी मिला दिए जा रहे हैं, यही खा जाएंगे सारे एक्शेल्स, अंडे तो देती नहीं है एक भी, इनका नाश्ता अभी बहुत स्पेशल तैयार किया जाता है। शुरू डिसाइड कर दो, आओ भाई तुम क्यों शर्मा के उधर चली गई। हाँ हाँ मिलेगा, ये वो अंदर लड़ाई चल रही है अंदर मार कुटाई चल रही है, कहीं अंडा ना दे दिया, पहले अंडा निकालो। हाँ हम उस साइड चले जाए, नहीं सोनू तो मेरा चिढ़ के ओहो ये भुक्कड़ पार्टी आ चुकी है। सोनू आ जाओ, लो आओ आ जाओ। नहीं आज सोनू को भी भूसी खानी है पहले क्रांति अंदर अंडा चेक कर लो। आ जाओ, बहुत देर से कर रही थी ना ये। सोनू टेबल चेयर पर खाते हैं और ये सब खा जाएंगे एक मिनट में। अरे सब पहुंच गया, खा लो सोनू। देखिए सोनू सबको खुद बुला रहे हैं और फेंक भी रहे हैं। हाँ, ये तो गलत टाइम के लिए।
काटने के चक्कर में है। आज मुझे लहसुन बोना है, ये देखिए काफ़ी दिन से आया हुआ है। देखिए इसको बोना सबसे आसान काम है, बस आप अंदर ऐसे दबा दीजिए मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दूर पर। देखिए ये क्यारी पहले भी तैयार थी, फिर से तैयार करनी पड़ रही है। मेथी सब सूख गई, बारिश हो गई थी। ये है वर्मी कंपोस्ट, ज़्यादा नहीं डालो। ये पहले की वर्मी कंपोस्ट है, इसमें इतनी अब कहते नहीं जान नहीं होगी, फिर भी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। ये हटा के नीचे रखें, उसके बाद इसमें से ना ये छोटा छोटा जल्दी से इतना गेहूँ निकला उसे निकाल दो, नहीं सब मेथी के साथ गेहूँ बड़ा हो जाएगा। चलिए तो हम आपको लहसुन बो के दिखा देते हैं। मिला तो दें, खुरपी कहाँ गई, इसको मिक्स कर ले। अरे कुछ हो रहा है भाई, ये लोग बहुत डर रहे हैं आज। नहीं लड़ाई है या फिर वो कुछ चील बहुत है आज, क्या हो गया? देखिए सब अंदर चले गए डर के मारे, ये छिपी हुई है यहाँ पर। चिकन्स आर वेरी टिमिड हार्टेड, तभी तो मेरी एक मुर्गी देखिए वो कैसे भाग के चली गई, हार्ट अटैक से मर गई जब बिजली कड़क रही थी। ये यहाँ देखिए कैसे छिपी हुई है। तो ये देखिए इसको इस तरह से बस ज़मीन में गाड़ना है और ऐसे कर देना है। मैं निशान लगा ले रही हूँ ताकि इतनी डिस्टेंस रहे कि गुड़ाई की जा सके। वैसे तो इतना ज़्यादा लहसुन निकलेगा नहीं, साफ बात। इसी के हम लोग वो ऊपर से जो कोपल आती है वो खाते हैं, सब्ज़ी में डालिए बहुत टेस्टी लगता है, चटनी बना लीजिए। देखना सोनू तो नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रही है कुछ नहीं पीछे से करामात दिखाने आ जाए। इसी में भी थोड़ा धनिया भी डाल देंगे, बीच बीच में हो जाए। देखो कोई आया है क्रांति पीछे, सोनू तो नहीं है? कोई नहीं है। नहीं नहीं अभी आ रही है तेरे। यहाँ पे भी मैंने देखी एक, तुमने तुरई नहीं तोड़ी, जरा तोड़ के दिखाओ तो कितनी बड़ी हो गई है ये। देखिए ये तुरई आपको दिखाते हैं जो लौकी की बराबरी कर रही है। ये देखिए ये कितनी डेवलप्ड तुरई है, किसी काम की नहीं है। वैसे सीड्स बन जाते हैं ना, ये कितने सीड्स बनाएंगे। चलिए तो वीडियो एंड करते हैं और ढंग से लहसुन को लगा लेते हैं। बाय।